सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं वर्ल्ड पीस डोम एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि पुणे के लोनी कालभोर में है। दोस्तों, ये वर्ल्ड पीस डोम पुणे के लोनी कालभोर में स्थित है। ये वर्ल्ड पीस डोम MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कैंपस का ही पार्ट है, जिसकी एंट्री फीस पहले 10 रुपए थी, पर अभी इसे बढ़ा के 100 रुपए कर दिया गया है। इस डोम की हाइट 263 फीट है और इसका डायमीटर है 160 फीट का। ये यहाँ का एंट्री गेट है, जो कि 110 फीट ऊंचा है और इसका कुछ काम भी चल रहा है। एंट्री गेट के सामने ही यहाँ पे एक बेल है, ओम और त्रिशूल है। डोम के ही सामने एक बहुत बड़ा फाउंटेन भी है, पर आज ये बंद है। फाउंटेन के दोनों तरफ कुछ पिलर्स है और उन पिलर्स पे संत, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के स्टैचूज भी है। इस विशाल डोम के नीचे एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी भी है, वो आगे जाके हम देखेंगे। डोम के सराउंडिंग एरिया में बहुत ही वेल मेंटेन लॉन भी है। ये वर्ल्ड पीस डोम प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड इनके विजन से बनाया गया है, जो कि संत श्री ज्ञानेश्वर और संत श्री तुकाराम इनसे इंस्पायर्ड है। जैसे ही आप इस डोम की स्टेप्स के पास पहुंचते हो, तो इन स्टेप्स पे कुछ कोटेशंस भी लिखे हुए हैं, जैसे कि माय रिलीजन इज वेरी सिंपल, माय रिलीजन इज काइंडनेस। डोम के सराउंडिंग में 4 मीनारे भी हैं, जो कि 6 मंजिला ऊंची है। इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं, पर फिलहाल इन्हें बंद करके रखा है। अंदर बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी भी की है, उसी के साथ साथ यहाँ पे एक घंटा भी है, जो कि छत से अटैच है। डोम के सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े स्टैचूज भी है, और जैसे ही आप इस डोम के अंदर जाते हो, तो आपको एक मैसिव हॉल दिखाई देता है, जिसकी छत पे आसमान का ड्राइंग किया गया है। डोम के अंदर की वॉल के पास संत, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट इनके प्रॉन्स के स्टैचू भी है। इस डोम के एंट्री डोर के सामने ही संत श्री ज्ञानेश्वर, संत श्री तुकाराम और भगवान श्री राम इनका स्टैचू भी है। डोम के बीचों बीच एक बेल भी है, जो कि छत से अटैच है। और यहाँ पे चेयर्स भी रखी गई हैं, ताकि आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स भी हो सकते हो। तो गाइस, पीछे तो ये डोम रहा और उसी के साइड में है श्री भगवत गीता ज्ञान भवन, जो कि इसके सामने ही है यहाँ पे, तो वो भी आप विजिट कर सकते हो। इस श्री भगवत गीता ज्ञान भवन के सामने ही बहुत बड़े बड़े 5 पांडव और द्रौपदी जी इनका स्टैचू भी है। अंदर जाने के लिए आपको आपके शूज यहाँ पे निकालने होते हैं। ये श्री भगवत गीता ज्ञान भवन काफी कलरफुल और खूबसूरत है। इस भवन के पिलर्स पे दीवारों पे कुछ श्लोक लिखे गए हैं, जिनका मीनिंग भी वहाँ पे लिखा गया है। इस ज्ञान भवन के अंदर एक रथ भी है, और रथ के सामने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए भी दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ प्रॉप्स भी रखे गए हैं, जिनके साथ आप फोटो खिंचा सकते हो, जैसे कि तलवार, ढाल और ये धनुष। इस ज्ञान भवन के साइड में ही एक नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी है। इस वर्ल्ड पीस डोम की स्टेप्स के नीचे मन शांति कक्ष, आत्म शांति कक्ष और उसी के साथ साथ ध्यान केंद्र भी है। इस ध्यान केंद्र में बैठ के आप ध्यान भी कर सकते हो। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। ध्यान कक्ष के पास से ही एक रास्ता ऊपर बनी हुई लाइब्रेरी की तरफ जाता है, तो वहाँ पे आप वो लाइब्रेरी भी देख सकते हो। गाइस, ये एक बहुत ही ह्यूज लाइब्रेरी है। यहाँ पे कंप्यूटर्स भी रखे गए हैं, ताकि आप ऑनलाइन भी पढ़ सको। इस लाइब्रेरी के बीचों बीच संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति भी रखी गई है, जिनसे इंस्पिरेशन लेके ये डोम बनाया गया है। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो चलिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।